गणपति थाना पुलिस ने आजाद नगर क्षेत्र में चोरी करने वाले आरोपी को 12 घंटे में सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले वहद हुसैन के घर से 10 अप्रैल को सोने के आभूषणों से भरा बैग अलमारी से चोरी हो गया था। फरियादी ने इसकी शिकायत गणपति थाने में की। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार के निर्देश पर टीम बनाकर गणपति थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने अक्सर फरियादी के घर पर आना जाना करने वाले आजाद नगर निवासी शेख सफीक से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी सफीक ने अलमारी से सोने के आभूषणों से भरा बैग चोरी करना कबूला। गणपति थाना पुलिस ने आरोपी के घर से सोने की चेन, 3 सोने की अंगूठी, 1 सोने का पेंडल, 4 सोने के मोती सहित अमेरिकन डॉलर जब्त किया। थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले ने बताया कि आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले वहद हुसैन के घर 10 अप्रैल को अलमारी से सोने से भरा बैग चोरी हुआ था। फरियादी ने इसकी शिकायत थाने में की थी। शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। अक्सर घर में आने जाने वाले शेख सफीक से पूछताछ में उसने चोरी करना कबूल किया। आरोपी के घर से चोरी किया सारा सामान जब्त किया है। चोरी के सामान की कीमत करीब 90,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10/4/2021 को एक फरियादी वजाहत हुसैन पिता सैयद अनवर हुसैन, जो कि 63 वर्षीय बुजुर्ग है और ये अकेले ही निवासरत रहता है, इनके बच्चे जो है बाहर हैं, इनके यहाँ से इनके पुश्तैनी जो जेवरात थे सोने और उसमें हीरे जड़ित जो जेवरात थे, इनकी कीमत करीबन 90,000 के आसपास थी। चोरी होने की सूचना इन्होंने कल शाम को दी। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन से और निर्देशन से एक टीम गठित की गई। एक टीम गठित की गई, उसमें थाने के स्टाफ के सगुनी शैलेश पाल, आरक्षक भरवाज, आरक्षक अनीस, इनको पाबंद किया गया और इन्होंने 12 से 14 घंटों के भीतर ही इसमें आरोपी शेख शफीक, शेख रफीक, 22 वर्ष निवासी आजाद नगर, जो कि फरियादी के घर पर आना जाना करता था, उससे पूछताछ लाया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया और स्वीकार करने पर उसने उसके उसके कब्जे से, उसके घर से जितने भी चोरी गए जेवरात थे, जिसमें एक सोने की चेन, सोने का पेंडल, 3 अंगूठियाँ जिसमें अमेरिकन डायमंड लगे हुए थे और इसके अलावा कान के टॉप्स, 4 नग, और इसके साथ ही फरियादी का एक संयुक्त अरब अमीरात का एक ड्राइविंग लाइसेंस और एक डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ये सब उसके घर से जब्त किया गया है। आंध्र प्रदेश से सरकी से भरा ट्रक इंदौर जाते समय मोना नदी की पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने ट्रक को हटाकर आवागमन को शुरू करवाया। आंध्र प्रदेश से ट्रक सरकी भरकर इंदौर जा रहा था। ट्रक पलटने से ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है।